हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और इस समय हमारे चैनल पर माता दुर्गा के 51 शक्ति पीठों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें सभी 51 शक्ति पीठों की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है, जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आदरणीय भक्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने अट्टहास शक्ति पीठ के बारे में जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आदरणीय दर्शकों, 51 शक्ति पीठों में से अट्टहास शक्ति पीठ को 15वां शक्ति पीठ माना गया है। कहां स्थित है अट्टहास शक्ति पीठ का यह प्रसिद्ध मंदिर? भारत भूमि के पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्वा वर्धमान जिले के कटवा उपखंड के अंतर्गत लाभपुर को लाभपुर या लामपुर भी कहा जाता है। लाभपुर स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ईशानी नदी को स्थानीय रूप से कंदोर नदी के रूप में भी जाना जाता है। ईशानी नदी के किनारे में स्थित है यह वर्धमान रेलवे स्टेशन से लगभग 95 किलोमीटर आगे कटवा अहमदपुर रेलवे लाइन पर स्थित है। माता सती का कौन सा अंग गिरा था? अट्टहास शक्ति पीठ में माता का अधरोष्ठ अर्थात निचला होंठ गिरा था। माता की शक्ति तथा भैरव का नाम क्या है? अट्टहास शक्ति पीठ की शक्ति का नाम फुल्लरा एवं भैरव का नाम विश्वेश है। अट्टहास शक्ति पीठ मंदिर का इतिहास। वर्तमान में यह मंदिर समुद्र तल से 350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर में प्लास्टर शैली की तस्वीरें अत्यंत ही उत्कृष्ट हैं। भगवान शिव का एक अलग मंदिर स्थापित है, जहां उन्हें भगवान चंद्रशेखर के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर संगमरमर से निर्मित है और इसमें सुंदर कलाकृतियां भी उकेरी गई हैं। मंदिर को 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। यह अत्यंत प्राचीन मंदिर है और वास्तव में हाल ही में इसका जीर्णोद्धार कराया गया है। मंदिर तो 5000 वर्ष पहले स्थापित किया जा चुका था, लेकिन इसका जीर्णोद्धार अभी कुछ ही दिनों पहले कराया गया है। अट्टहास शक्तिपीठ मंदिर में प्रतिमा। यहां माता पार्वती की 2 प्रतिमाएं, पहली भवानी और दूसरी देवी सती के रूप में स्थापित हैं। ऐसी मान्यता है कि मंदिर की मूल प्रतिमा सन 1915 तक इस मंदिर में स्थापित थी। उसके बाद मूल प्रतिमा को बांगिया साहित्य परिषद संग्रहालय में रखा गया था। यह प्रतिमा धातु की बनी हुई थी। प्रतिमा की पुनः स्थापना के बाद प्रतिमा की चोरी हो गई। महात्म्य। अट्टहास शक्तिपीठ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह स्थान 1 सप्ताह की यात्रा बन सकता है। यह मंदिर विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों और पेड़ों के साथ जंगल के बीच स्थित ईशानी नदी के तट पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा भाव के साथ माता के दर्शन करने आते हैं, माता को अपनी मनोकामनाएं सुनाते हैं, माता रानी उनकी समस्त मनोकामनाएं यथाशीघ्र सुनती हैं और उनकी समस्त मनोकामनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण भी करती हैं। टेराकोट्टा के एक विशेष शिलालेख में अट्टहास के बारे में उल्लेख प्राप्त हुआ है। अभी भी इस शिला की लिपि पर अनुसंधान चल रहा है। यह उम्मीद की जा रही है कि यदि इस शिलालेख को ठीक से पढ़ा जाए तो अट्टहास शक्तिपीठ के बारे में सही एवं समुचित जानकारी प्राप्त हो सकती है। अट्टहास शक्तिपीठ के त्यौहार। अट्टहास शक्तिपीठ में सभी त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन यहां पर महाशिवरात्रि, दुर्गा पूजा एवं नवरात्रि के त्यौहार पर विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। त्यौहार के दिनों में मंदिर को पुष्प एवं लाइट से सुसज्जित किया जाता है। मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण श्रद्धालुओं के मन मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। दर्शन एवं पूजन का समय। यदि आप अट्टहास शक्तिपीठ के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको मंदिर के खुलने और यहां होने वाले दर्शन के समय के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। यह मंदिर प्रातः
5:30 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक तथा दोपहर के बाद 3:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक खुला रहता है। दोपहर में 1 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक मंदिर का पट बंद रहता है, माता विश्राम करती हैं। नवरात्रि के समय यहाँ की यात्रा एवं दर्शन विशेष आनंददायक होती है। आवागमन के साधन, यदि आप अट्टहास शक्तिपीठ तक दर्शन हेतु आना चाहते हैं तो यहां तक बहुत ही आसानी से विभिन्न साधनों के माध्यम से पहुंच सकते हैं। यदि निकटवर्ती रेलवे स्टेशन की बात करें तो लाभपुर रेलवे स्टेशन, जो कि अट्टहास शक्तिपीठ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्धमान रेलवे स्टेशन, जो कि अट्टहास शक्तिपीठ मंदिर से 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटवर्ती हवाई अड्डे की बात करें तो काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट, जो कि अट्टहास शक्तिपीठ से 113 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन एवं हवाई अड्डे से स्थानीय साधनों की सहायता से आप बहुत ही आसानी से अट्टहास शक्तिपीठ तक पहुंच सकते हैं। यदि सड़क मार्ग की बात करें तो अट्टहास शक्तिपीठ सड़क मार्ग के माध्यम से पूरे भारतवर्ष से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप सड़क मार्ग का उपयोग करते हुए बस, टैक्सी अथवा स्वयं के निजी वाहन के माध्यम से यहां तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, माता का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं और माता से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने अट्टहास शक्तिपीठ के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी ऑन कीजिए और अब मुझे आगे दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर नए शक्तिपीठ अर्थात जनस्थान शक्तिपीठ के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, माता रानी की जय, जय गुरुदेव।